हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेल। तो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे 5th एंड 6th नवंबर के करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है हुरुन इंडियाज फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2023। स्टूडेंट, इंडियाज फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2023 रिलीज हो चुकी है। ये कैसी लिस्ट है स्टूडेंट? इस लिस्ट में जो काफ़ी परोपकारी व्यक्ति होते हैं, मतलब डोनेशन देते हैं, जो वो इस लिस्ट में आते हैं। तो स्टूडेंट, इस लिस्ट में HCL टेक फाउंडर शिव नडर एंड फैमिली टॉप इन द लिस्ट। स्टूडेंट, इसमें टॉप किसने किया? HCL टेक फाउंडर शिव नडर और फैमिली ने इस लिस्ट में टॉप किया है इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट में। रिटेन द कंट्रीज मोस्ट जीनियस स्टार्टर फॉर द थर्ड टाइम इन द 5 ईयर्स। सो लास्ट 5 ईयर्स से वे थर्ड टाइम इस लिस्ट में, इस कहते हैं फिलेंथ्रोपी लिस्ट में टॉप पर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे टॉप पर तो शिव नडर एंड फैमिली रही हैं, और सेकेंड पोजिशन किसकी आई है? अजम प्रेम जी एंड फैमिली की सेकंड पोजीशन है, जिसने 1774 करोड़ रुपये का डोनेशन दिया। और थर्ड पे मुकेश अंबानी एंड फैमिली है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हुरुन इंडियाज फिलेंथ्रोपी लिस्ट में टॉप किसने किया? शिव नडर एंड फैमिली ने, सेकंड अजम प्रेम जी एंड फैमिली ने, और थर्ड पे मुकेश अंबानी एंड फैमिली। ओके, ये याद रखिए आप लिस्ट को। नाउ कम टू सेकेंड, एनकोर। एनकोर क्या है स्टूडेंट्स? ये एक इन हाउस सॉफ्टवेयर है जिसे हमारे इलेक्शन कमीशन ने डिज़ाइन किया, लॉन्च किया। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैड डिज़ाइन इन हाउस सॉफ्टवेयर एनकोर, स्टैंड्स फॉर एनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, एनकोर की फुल फॉर्म क्या है? एनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट है, जिसे हमारे इलेक्शन कमीशन ने डिज़ाइन किया इन हाउस सॉफ्टवेयर। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट इसमें जो हमारा कैंडिडेट है और हमारे इलेक्शंस है, उसके सारे कंप्लीट मतलब अपडेशंस होंगे इसमें। कंप्लीट हो गए जो हमारे कैंडिडेट है, मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ेंगे। ओके स्टूडेंट, जो हमारे MLA हैं वो होंगे, उनके सारी इलेक्शन मैनेजमेंट की उनकी सारी न्यूज़ होगी, न्यूज़ नहीं एक तरीके से उनकी इन्फॉर्मेशन होगी। और इसका एनकोर का काम क्या है? जो हमारा कैंडिडेट नॉमिनेशन करना, एफिडेविट्स लगवाना, हमारे वोटर को टर्न आउट करना, काउंटिंग्स करना, रिजल्ट बताना और डाटा मैनेजमेंट करना, वो इसका काम है एनकोर का। ओके स्टूडेंट, एक तरीके से इलेक्शंस के प्रोसेस में काम आएगा हमारा एनकोर। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एनकोर क्या है? इन हाउस सॉफ्टवेयर है एनकोर। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू थर्ड, प्रचंड। प्रचंड क्या है ये इसके बारे में? बट इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। स्टूडेंट, इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, मतलब इसके मल्टी रोल्स हैं प्रचंड हेलीकॉप्टर के। द इंडियन आर्मी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। स्टूडेंट, इंडियन आर्मी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH ने सक्सेसफुली कैरिड आउट द इनॉग्रल फायरिंग ऑफ 70 mm रॉकेट्स एंड 20 mm टर्न गन्स बोट एन राइट। स्टूडेंट, जो हमारे इंडियन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसने सक्सेसफुली 70 mm रॉकेट और 20 mm टर्न गन से फायरिंग की है डे एंड नाइट। ओके स्टूडेंट, इसकी मतलब टेस्ट फायरिंग हुई है इसकी डे एंड नाइट इसने की है। और स्टूडेंट, प्रचंड को डेवलप किसने किया था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे डेवलप किया। और इसका एम क्या है, इसे मतलब प्रचंड का एम क्या है, इसे क्यों बनाया गया, किस काम के लिए बनाया गया? द नीड ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स ऑपरेटिंग इन डेजर्ट एंड माउंटेन एरिया। स्टूडेंट, जो माउंटेन और डेजर्ट एरियाज में जो हमारी इंडियन आर्म फोर्स है उन्हें ऑपरेटिंग उन फोर्सेज ऑपरेट कर रही हैं, उनकी नीड के लिए, उनके काम के लिए इसे प्रचंड को बनाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू फोर्थ में क्या? इन्फ्यूज मिशन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। नासा लॉन्च अ साउंडिंग रॉकेट एज अ पार्ट ऑफ इन्फ्यूज मिशन। इन्फ्यूज मिशन में नासा ने एक साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया है। इन्फ्यूज की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट, इसकी फुल फॉर्म है इन्फ्यूज की। ओके स्टूडेंट, इसे लॉन्च कहाँ से किया है हमारा नासा ने? वाइट 10 miles रेंज इन न्यू मैक्सिको से इसे लॉन्च किया है। स्टूडेंट, इसका काम क्या है इन्फ्यूज मिशन का जिसे नासा ने लॉन्च किया? टू स्टडी द सैगनस लूप अ सुपरनोवा रिमेनेंट। स्टूडेंट, जो सुपरनोवा रिमेनेंट है उनकी स्टडी करना इन्फ्यूज का काम है। सुपरनोवा रिमेनेंट क्या होता है? ये सैगनस लूप क्या है? अ रिमेनेंट स्टार दैट वाज वंस 20 times द साइज ऑफ सन। स्टूडेंट, एक स्टार है जिनका साइज सन के 20 times ज़्यादा है, वो सिग्नस लूप होता है जिसकी स्टडी करने के लिए इन्फ्यूज मिशन को बनाया गया। मतलब जो वहाँ पे स्टार्स होते हैं, वो स्टार्स मतलब उनमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ बोन की वजह से फट जाते हैं, विस्फोट होता है उनमें, और होके मिल्की वे गैलेक्सी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए
ये मिशन को लॉन्च हुआ, इन्फ्यूज मिशन को, ओके स्टूडेंट, उसकी स्टडी करने के लिए. ओके नाउ कम टू फिफ्थ, इंडियाज फर्स्ट वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क. स्टूडेंट इंडिया का पहला वाईफाई ब्रॉडबैंड नेटवर्क रेडी हो चुका है. ये किसने कोलैब किया है स्टूडेंट, इसमें नोकिया एंड टाटा प्ले फाइबर ने कोलैब करके इस ब्रॉडबैंड को तैयार किया, इस वाईफाई 6 का काम किया है. नोकिया कोलैब विद टाटा प्ले फाइबर अनवीलिंग द कंट्रीज इनॉग्रल वाईफाई रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क. स्टूडेंट्स इंडिया का पहला वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क नोकिया को टाटा प्ले फाइबर की कोलैब में हुआ है, जो प्रोवाइड करेगा इंडोर सुपर कनेक्टिविटी को. ओके स्टूडेंट्स नाउ कम टू सिक्स, SSAI रिलीज द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023. FSSAI ने स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 रिलीज किया. ये FSSAI क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसने स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को रिलीज किया है. इस इंडेक्स को 5 पैरामीटर्स में रिलीज किया है, HR एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा, कॉम्प्लीमेंस फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. ये 5 पैरामीटर्स जिसमें ये इंडेक्स रिलीज हुआ है. ओके स्टूडेंट इस इंडेक्स में सबसे डिक्लाइन क्या है, इन ये 5 पैरामीटर्स में फूड टेस्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन ऑब्जर्व हुआ इस इंडेक्स में. ओके स्टूडेंट एज पर दिस इंडेक्स 20 बिग स्टेट स्कोर्स अ डिक्लाइन. स्टूडेंट इंडेक्स में देखा गया है कि जो 20 बिग स्टेट्स हैं उनमें से 19 ने काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन स्कोर किया एज कम्पेयर टू 2019. ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स दैट्स फॉर टुडे. तो स्टूडेंट्स आज से मैं आपको एक क्वेश्चन दिया करूँगी एट द एंड ऑफ करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में से ही वो क्वेश्चन होगा जो मैं आपको दिया करूँगी. ओके तो स्टूडेंट्स मैंने सेकंड करंट अफेयर पढ़ाया था आपको एनकोर के बारे में. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डिजाइन इन हाउस सॉफ्टवेयर. ओके हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएं. ओके इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट थम्स अप एंड प्रेस सब्सक्राइब बटन. थैंक यू सो मच, बाय.